और गाइस शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज व्हाट्सएप के साथ। व्हाट्सएप ने फाइनली अपने लॉन्ग अवेटेड एंड्रॉइड और आईओएस के बीच में चैट हिस्ट्री को ट्रांसफर करने वाले फीचर को लाइव कर दिया है, अनवेल कर दिया है। फिलहाल के लिए कैच है कि यार गैलेक्सी Z Fold 3 और गैलेक्सी Z Flip 3 इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स में एक्सक्लूसिवली ये फीचर अवेलेबल है, बट जल्दी ही आपको सारे के सारे स्मार्टफोन्स में ये व्हाट्सएप का फीचर देखने को मिलने वाला है। गाइस इंस्टाग्राम ने अपना एक और नया फीचर अनवेल कर दिया है, इसका नाम है इंस्टाग्राम लिमिट। इसमें क्या होगा कि यार जैसे आप रिस्ट्रिक्ट करते थे ना कुछ लोगों को जो आपको पोटेंशियली हरास करते थे, स्पैम वगैरह करते थे, वैसे इंस्टाग्राम आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब अलर्ट देगा कि यार ये लोग पोटेंशियली आपको तंग वगैरह कर सकते हैं। ऐसा बहुत होता है ना कि यार आपको कोई गाली गलौज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यार इस लिमिट फीचर को यूज करके आप अपनी प्रोफाइल को रिलेटिवली क्लीन और सेफर बना सकते हैं। तो ट्विटर की बात कर लेते हैं, ट्विटर की बात कर लेते हैं गाइस, ट्विटर का इंटरफेस रीडिजाइन हो गया है। सालों बाद ट्विटर ने ऐसा किया है और ट्विटर पे अब आपको लेसर क्लटर देखने को मिलेगा, टेक्स्ट और ज्यादा शार्प होगा और ज्यादा क्रिस्प होगा। और ट्विटर कह रहा है कि यार बॉर्डर्स वगैरह को भी, अननेसेसरी जो बॉर्डर्स वगैरह थे उनको भी हमने रिमूव कर दिया और अब हम फोकस करने वाले हैं ज्यादा फोटोज पे और ज्यादा टेक्स्ट पे। पहले किस पे फोकस था वैसे? गाइस अगर आप अपने मैक पे विंडोज 11 को चलाना चाहते हैं तो एक नया सॉफ्टवेयर अब लॉन्च किया गया है, इसका नाम है पैरेलल 17। अगर आपके मैक में इंटेल प्रोसेसर है तो यार सीधा आप यहीं से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके विंडोज 11 को अपने मैक पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे जैसा M1 वाला अगर मैक यूज कर रहे हो तो आपको विंडोज 11 की ISO फाइल अलग से डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जो भी है, जैसा भी है, इफ इन केस यू वांट टू एंजॉय विंडोज 11 एंड ऑल द विंडोज एप्स एंड सॉफ्टवेयर, फिर अब आप मैक पे इस पैरेलल्स 11 सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा कर सकते हैं। गाइस टिंडर डेटिंग के अलावा काफी ज्यादा और चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है। टर्न्स आउट जर्मनी के एक एनिमल शेल्टर ने अपने 15 कैट्स एंड डॉग्स, कुत्तों और बिल्लियों की फोटोज को टिंडर पे पब्लिश कर दिया और लोगों ने स्वाइप लेफ्ट वगैरह करके, राइट वगैरह करके इन एनिमल्स को एडॉप्ट करना शुरू कर लिया है। काफी अच्छा ये मेरे हिसाब से इनिशिएटिव है और आई होप कि यार ऐसे जो फीचर्स हैं हमें बाकी के प्लेटफॉर्म्स में भी देखने को मिले और जो भी स्ट्रे या फिर एडॉप्टेबल एनिमल्स हैं उनको उनके अच्छे पेरेंट्स वगैरह से मिल जाए। गाइस गूगल ने फाइनली एंड्रॉइड 12 बीटा 4 अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया अपने पिक्सल सीरीज के स्मार्टफोन्स में और ये सपोजिटली इस बीटा ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। इसके बाद आपको एंड्रॉइड 12 स्टेबल अपडेट काफी सारे एलिजिबल स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाला है। और गाइस कुछ लॉन्चेस की बात कर लेते हैं। सोनी ने इंडिया में अपने दो नए अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्ट टीवीज को लॉन्च कर दिया है। एक है 77 इंचेस का टीवी और दूसरा है 85 इंचेस का 4K OLED टीवी। इन दोनों टीवीज की प्राइसिंग भी काफी ज्यादा है और 77 इंचेस वाला टीवी जो है इसकी प्राइसिंग है 5,49,900 रुपीज, 5.5 लाख रुपए का ये टीवी है। इसके अलावा बात करें वैसे 85 इंचेस वाले टीवी की तो उसकी प्राइसिंग कम है थोड़ी सी, 4,99,900 रुपीज, मतलब 5 लाख रुपए में सोनी का ये टीवी आप इंडिया में खरीद सकते हैं। फिर सैमसंग ने फाइनली अपनी सैमसंग अनपैक्ड इवेंट में अपने नए TWS सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 को लॉन्च कर दिया है। इनकी ग्लोबल प्राइसिंग है $149, मतलब समवेयर राउंड 11,000 टू 12,000 रुपीस में आपको सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 जल्दी ही इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। इनकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग और ये बड्स 2 दिखते कैसे हैं ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक, ये दोनों स्मार्ट वॉचेस सुपर एमोलेड डिस्प्लेस के साथ, वन यूआई वॉच 3 प्लेटफॉर्म के साथ और ऑफ कोर्स Exynos W920 प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च कर दी गई हैं। Samsung Galaxy Watch 4 और Samsung Galaxy Watch 4 Classic, इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग ये दिखती कैसी हैं ये सारी चीजें भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। Samsung Galaxy Watch 4 समवेयर अराउंड आपको देखने को मिलेगी 18,000 टू 20,000 और बात करें Samsung Galaxy Watch 4 Classic की तो उसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 25,000 टू 27,000 होने वाली है। Samsung Galaxy Z Fold 3 की बात करें, यहां पे आपको मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले कैमरा है, वाटर रेजिस्टेंट आपको यहां पे डिजाइन देखने को मिलता है, ऑफ कोर्स S Pen की सपोर्ट है। Samsung Galaxy Z Fold 3 5G की भी सारी की सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन समवेयर अराउंड 1,40,000 का आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, Samsung Galaxy Z Flip 3, ये क्लैम्पशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया गया है और ये समवेयर अराउंड 80-85,000 रुपीस में आपको इंडिया में भी अब जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। ये आपको
फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे और Amazon पे आपको Samsung Galaxy Watch 4 सीरीज की स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलेंगी। आप बताइए वैसे आपको Samsung के ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे लगे। गाइस सर्टिफिकेशंस टाइम और आज की सर्टिफिकेशन न्यूज करते हैं शुरू आईकू के साथ। आईकू 8 स्मार्टफोन के इंडियन वेरियंट को आज मैंने फाइनली IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे कर लिया है स्पॉट। काफी जल्दी आपको IQ8/IQ8 Legend ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा Xiaomi का भी एक नया स्मार्टफोन आज IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे हुआ है लिस्ट और इस स्मार्टफोन के तो मॉडल नंबर में ही 11T है। I'm kidding, of course. ये स्मार्टफोन वैसे हो सकता है कि यार आपको Mi 11T सीरीज का स्मार्टफोन देखने को मिले और जल्दी ही ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है बिकॉज इंडिया की भी IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे इसको मैंने स्पॉट कर लिया है। Xiaomi की वैसे बात करेंगे तो Xiaomi Mi Pad 5, Xiaomi Mi Pad 5 Pro और Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G ये तीनों टैबलेट्स इनको मैंने आज स्पॉट किया है गूगल सपोर्टेड डिवाइसेज के लिस्ट पे और साथ में गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पे। अब यार इन दोनों लिस्टिंग्स पे आने का मतलब ये है कि ग्लोबल लॉन्च ऑफ दीज टैबलेट्स is not too far away from now. और not just these tablets guys, Xiaomi Mi Mix 4 ये भी आज Google supported devices के list पे और साथ में Google Play console listing पे list हो गया है। Global market में आपको Mi Mix 4 भी जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। Poco काहे पीछे रहेगा भैया और Poco का भी एक नया फोन आपको इंडिया में जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। इस नए Poco स्मार्टफोन की बैटरी को मैंने इंडिया की BIS पे कर लिया है स्पॉट तो यार जल्दी ही आपको ये स्मार्टफोन भी इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और guys Google supported devices के पे और साथ में Google Play Console लिस्टिंग पे मैंने Samsung Galaxy A03s इस स्मार्टफोन को भी कर लिया है स्पॉट। 3GB RAM, Android 11, MediaTek Helio P35 प्रोसेसर और साथ में आपको HD+ डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। और गाइस सर्टिफिकेशंस की न्यूज़ तो हो गई खत्म, अब बात करते हैं कुछ ट्रेडमार्क्स की। ट्रेडमार्क्स की तो यार Xiaomi Watch S1, S2, S3, S4, S7, S9, S10 जोर-जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये Xiaomi की आने वाली सारी स्मार्ट वॉचेस आज चाइना में ट्रेडमार्क कर दी गई हैं। और गाइस आज की इन सारी सर्टिफिकेशंस और ट्रेडमार्क्स की लास्ट न्यूज़ निकल के आ रही है Realme के खेमे से। Realme जल्दी ही लॉन्च करने वाला है Realme म्यूजिक फोन। Realme का एक नया म्यूजिक फोन आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन को भी Realme ने अब ट्रेडमार्क कर लिया है। इस Realme GT सीरीज के स्मार्टफोन्स के अलावा Realme Book Slim 18 अगस्त को लॉन्च होने वाली है और Xiaomi लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ कंपटीशन वगैरह करने की तैयारी करके बैठा है। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। बिकॉज Xiaomi Mi Notebook Refresh ये लैपटॉप जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। Xiaomi ने इसको ऑफिशियली टीज कर दिया है। इसमें आपको देखने को मिलता है एक बैकलिट कीबोर्ड और इसके अलावा इंटेल i5 प्रोसेसर। यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस, आपको Realme Book Slim का एक कॉम्पिटिटर Xiaomi की तरफ से भी देखने को मिलने वाला है। बट जहां तक मेरे मतलब सुनने में आया है हो सकता है Xiaomi की तरफ से एक नहीं एक से ज्यादा लैपटॉप्स आपको इस इवेंट में देखने को मिले। Mi Notebook 14 Pro और साथ में Mi Notebook Ultra ये दोनों लैपटॉप्स भी सुनने में आ रहा है कि यार हमें जल्दी ही इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस लैपटॉप्स तो लॉन्च होने ही हैं बट Xiaomi ने आज ऑफिशियली ये भी कंफर्म कर दिया कि यार Mi स्मार्टर लिविंग इवेंट दैट इज आल्सो राइट अराउंड द कॉर्नर। और लैपटॉप्स के अलावा हमें Mi Band 6 और भी काफी सारे Xiaomi के प्रोडक्ट्स अब जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। बेस Mi Mix 4 के बारे में आपको मैंने बता दिया कि यार ग्लोबल मार्केट में जल्दी ही ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है बट अभी से Mi Mix 5 के बारे में लीक्स आने शुरू हो गए हैं। नोटेबली Xiaomi की 200 वॉट्स वाली फास्ट चार्जिंग कमर्शियली अवेलेबल होने वाली है जून 2022 से और इसी महीने में हमें Xiaomi Mi Mix 4 जो कि ऑफ कोर्स इस 200 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग को यूटिलाइज करेगा ये भी देखने को मिलने वाला है। बेस Realme ने अपने Dizo सब ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं और 91 मोबाइल्स की इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने लेटेस्ट लीक की अगर हम माने तो Dizo के दो नए ऑडियो प्रोडक्ट्स आपको इसी महीने इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। इस मंथ एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगे और इन दोनों ऑडियो प्रोडक्ट्स में ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। बेस Motorola H20 सीरीज के दो स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, जल्दी ही आपको ये स्मार्टफोन्स इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। और Moto H20 Pro के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन में ये क्या होता है खोचा यहां पे एक लिंक लगा रहा हूं। कल मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी टॉप 10 प्लस अपकमिंग कंफर्म स्मार्टफोन लॉन्चेस की, उसमें आपको Moto H20 Pro के बारे में भी पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए वैसे Moto H20 Fusion की बात करें तो गाइस Flipkart पे ऑलमोस्ट सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस इस स्मार्टफोन की निकल के आ चुकी।
है। 90 हर्ट्ज आपको मिलेगी 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 108 मेगापिक्सल का मिलेगा यहाँ पे कैमरा, साथ में रेडी फॉर पीसी करके एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा, 13 5G बैंड्स आपको स्मार्टफोन में मिलेंगे और साथ में मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर आपको मोटो H20 फ्यूजन स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। वैसे तुक्का मार के बताओ कि यार स्मार्टफोन की इंडियन प्राइसिंग क्या होगी। वैसे Realme GT मास्टर एडिशन के बारे में हमें सारी चीजें पता ही है, ये स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे 18th को और वी ऑलरेडी नो कि यार Realme MagDart वायरलेसली मैग्नेटिकली चार्जिंग टेक्नोलॉजी ये Realme GT मास्टर एडिशन सपोर्ट नहीं करता। बट यहाँ पे इसी स्मार्टफोन के कुछ नए लाइव शॉट्स लीक हो गए हैं जिसमें दिखाया गया कि यार स्मार्टफोन में आपको MagDart वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है। तो यार लग रहा है कि हो सकता है Realme GT मास्टर एडिशन का एक या तो नया वेरिएंट आ जाए या फिर somehow Realme might find a way to you know enable MagDart वायरलेस चार्जिंग और Realme GT मास्टर एडिशन। जो भी है जैसा भी है, MagDart आने वाले Realme के काफी सारे स्मार्टफोन्स में आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलने वाला है। और गाइस आज की लास्ट न्यूज भी Realme की तरफ से ही निकल के आ रही है। Realme ने फाइनली ऑफिशियली टीज करना शुरू कर दिया है अपने Realme 8s 5G फोन को। माधव शेठ जी कल कह रहे थे कि यार ये जो अभी आया ना MediaTek Dimensity 810, आप बताओ कि यार क्या आप चाहते हो कि Realme वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन ब्रांड बन जाए जो इस प्रोसेसर के साथ एक स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। तो लेके चलो कि यार Realme का Realme 8s 5G स्मार्टफोन पावर्ड बाय MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर आपको जल्दी ही इंडिया में देखने को मिलने वाला है। ये तो चलो मतलब ऑफिशियल वगैरह बातें हो गई। अब वीडियो खत्म करने से पहले बता देता हूं आपको एक लीक, दो और स्मार्टफोन्स Realme 8s के अलावा दो और 810 वाले स्मार्टफोन्स आपको जल्द ही इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। ओके इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। आर यू हैप्पी विद द न्यू कैटेगराइज्ड फॉर्म ऑफ टेक स्टफ? 80% लोग कह रहे हैं हां और 20% लोग कह रहे हैं ना। तो गाइस ये है कल का पोल। आज की वीडियो का पोल सिंपल सा है, आपके स्मार्टफोन में कितने mAh की बैटरी है, मतलब अलग-अलग रेंजेस वगैरह दे दूंगा, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और गाइस टाइम फॉर स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी न्यूज़ ऑफ द डे। करण सिद्धू जी कह रहे हैं महिंद्रा XUV 700 इज गोइंग टू बी अनवेल्ड ऑन 14th ऑफ अगस्त। इसके अलावा चिराग दीप जी कह रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च ऑन 15th अगस्त एंड ऑन सेम डे डिलीवरीज विल स्टार्ट एज वेल एंड टू कम्पीट विद दिस सिंपल एनर्जी विल ऑल्सो लॉन्च देयर इलेक्ट्रिक स्कूटर विद 100 किलोमीटर टॉप स्पीड एंड 240 किलोमीटर रेंज इट इज गोइंग टू ऑफर। तो गाइस ये है स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी न्यूज़ ऑफ द डे। बोनस न्यूज़ आर्यन राणा जी ने दी, वो कह रहे हैं मुकुल शर्मा इज इंडियाज बेस्ट टेक मास्टर एंड लीकस्टर। ये बड़ी अच्छी बात है। तो गाइस ये हैं आज की खबरें, आज की न्यूज़। आई होप आपको आज की वीडियो भी हर बार की तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए, सदा ऑसम रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस जय।